हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ऑरेंज सौंदेश। जो ट्रेडिशनल सौंदेश है उसमें हमने ऑरेंज का फ्लेवर दिया है। ऑरेंज का जो फ्लेवर है वो सौंदेश के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर बनाएंगे। उसके लिए हम 500 ml दूध को उबालेंगे। इसे आप थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहे और इसमें एक उबाल आने दें। इसमें एक उबाल आ जाए उसके बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डालें। फ्लेम जो है वो आप एकदम लो पे कर दें। आपको करीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून नींबू का रस डालना है। अगर आपको लगे कि पनीर जो है वो नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, दूध जो है वो नहीं फट रहा है, तो आप थोड़ा और नींबू का रस उसमें डाल लें। आप इसे स्टर करते रहे, थोड़ी थोड़ी देर में आप इसे स्टर करते रहें और नींबू का रस डालते रहें। स्लोली आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो वे है, यानी कि जो पनीर का पानी है, वो सेपरेट हो रहा है और दूध फट रहा है। जैसे ही कंप्लीटली पनीर बन जाए तब आप फ्लेम बंद कर ले और इसे निकाल लें। अब आप एक बड़े बर्तन पर एक छलनी रखें, या तो एक कोलैंडर इस तरीके से, और उस पर एक मसलिन क्लॉथ या कोई भी कॉटन का कपड़ा रखें और उसमें आप पनीर को छान लें। पनीर का जो पानी है वो भी बहुत ही प्रोटीन से भरपूर होता है, तो उसे भी आप किसी भी सूप या दाल उसमें आप यूज कर सकते हैं। अब आप इस पनीर को रनिंग वाटर में, किसी भी टैप वाटर में या ठंडे पानी में इसे अच्छे से धो ले, ताकि जो नींबू का खटाश का जो टेस्ट है वो उसमें से निकल जाए। उसके बाद आप इसे अच्छे से टाई कर लें। थोड़ा सा आप इसे स्क्वीज कर लें ताकि जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए, और इस पर वजन रख लें या तो इसे हैंग कर लें 15 मिनटों के लिए। आप देख सकते हैं कि जो सारा एक्सेस पानी है वो निकल गया है। अब आप पनीर को एक प्लेट में ले लें, उसमें डालें 1 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर और उसे अच्छे से मसल लें। चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से और स्वीटनेस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको पनीर को इस तरीके से मसलना है। आप देख सकते हैं पाम का जो हमारा बॉटम है उससे आपको मसलना है, ताकि इसमें ग्रेन्स ना रहे। इसे आपको नीट करना है 8 से 10 मिनटों के लिए। अब आप एक नॉनस्टिक पैन में 2 टेबलस्पून ऑरेंज जूस और 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ले लें और उसे अच्छे से मिला लें। हमारा जो मिल्क पाउडर है वो अनस्वीटेंड है, यानी कि वो मीठा नहीं है। अगर आपका मिल्क पाउडर जो है वो मीठा है, तो जो चीनी का प्रपोर्शन है उसको आपको एडजस्ट करना होगा। अब इन दोनों चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है। उसके बाद हम उसमें पनीर और पाउडर्ड शुगर का जो मिक्सचर है, जो हमने मसल के रखा है, उसे हम डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आपको लो फ्लेम पर पकाना है 7 से 8 मिनटों के लिए, या तब तक जब तक मिक्सचर जो है वो गाढ़ा नहीं हो जाता और जो पैन की साइड्स है वो छोड़ नहीं देता। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर जो है वो एकदम थिक हो गया है, एक लंप के फॉर्म में हो गया है और बिल्कुल स्टिकी नहीं है। अब आप इसे फ्लेम से निकाल लें, एक प्लेट में रख लें और उसे 5 से 10 मिनटों के लिए थोड़ा सा ठंडा होने दें। जब मिक्सचर ठंडा हो जाए तब आप इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लें। इतनी क्वांटिटी से, यानी कि 500 ml दूध से, आप 5 सौंदेश बना सकेंगे। सारे बॉल्स बन जाए उसके बाद आप बॉल्स के बीच में उंगली की मदद से एक डेंट बना ले इस तरीके से। आप इसे अपने मनपसंद नट्स से भी गार्निश कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमने इसे गार्निश किया है फ्रेश ऑरेंज पीसेस से। इसे आप रेफ्रिजरेटर में रख ले ठंडा होने के लिए और इसे चिल्ड सर्व करें।